आज से हम मेरी पंचायत मेरी चौपाल कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत हमारी टीम जिले के सभी गांवों में जाकर वहां पर होने वाले विकास कार्यों के साथ ही जनता की मांगों और शिकायतों पर भी चर्चा करेगी। इतना ही नहीं, चौपाल पर मिली शिकायतों पर पंचायत से लेकर जिला स्तर के अफसरों से उसका जवाब मांगा जाएगा। हमारा प्रयास होगा कि पंचायतों को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और ग्रामीणों को मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाने में प्रयास किए जाएं। इस श्रृंखला में आज हम आपके सामने लाए हैं छेगांव माखन जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत भोजाखेड़ी के हालात। आइए सुनते हैं ग्रामीणों ने क्या कहा और जिम्मेदारों ने उसके क्या जवाब दिए। पंधाना तहसील और छेगांव माखन जनपद महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत भोजाखेड़ी इंदौर इच्छापुर हाईवे पर स्थित है। SW24 न्यूज़ की टीम जब इस गांव में पहुंची तो पंचायत के प्रति ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। गांव के पूर्व सरपंच और पंचों ने सरपंच सहित सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने हमारी टीम को बताया कि पंचायत ने ग्रामीणों और पंचों को विश्वास में लिए बिना यहाँ के खेल मैदान को ही गायब कर दिया। इतना ही नहीं, गांव में पोखर के नाम पर राशि निकालने के बाद भी उसका निर्माण नहीं कराया है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने नल जल योजना सहित सड़कों के निर्माण को लेकर पंचायत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव में पंचायत कई कई दिनों तक नहीं खुलती है। गांव में विकास कार्यों की स्थिति का आकलन पंचायत भवन को देखने पर ही हो जाएगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सचिव के पास दो गाँवों के प्रभार होने से वे अधिकांश समय छेगांव माखन पंचायत में नज़र आते हैं। हमारी टीम ने इस गांव में किए गए कार्यों का गंभीरता से आकलन किया है। हम अगले एपिसोड में और भी कई शिकायतों की पड़ताल करेंगे। जब मेरा बच्चा पंचायत रोजगार गारंटी में नाले पे 6 दिन गया था काम पे, जब इन्होंने 5 दिन के पैसे नाखे, जब मेरा बच्चा सुरगांव राठौर में 1 रोज भी काम पे नहीं गया, इन्होंने 2 हफ्ते के पैसे डाले हैं। जो इनके एजेंट है उन्होंने आके वो लड़कों से पैसा ले लिया है। पैसे आपके खाते में आया तो हाँ, तो वो कहे कि हम तुम्हारी जो कॉमन सेंटर वाला है वो बोले कि हम तुम्हारी अगली हफ्ते हाजिरी का देख रहे हैं कि भाई पैसा आया कि नहीं 1 दिन का, और इन्होंने वो पैसा बाद में निकाल लिया अंगूठा लगवा के। मेरा नाम तकत सिंह राम सिंह, तोमर ग्राम भोजाखेड़ी का निवासी हूँ, और गांव की समस्या और जन जन की समस्या ये है कि समय पर यहाँ आते हैं पंचायत बंद रहती है, और दूसरा काम जो भी योजनाएं शासकीय आती है वो रजिस्टर के अंदर बंद रहती है, वो लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं क्या। और एक पंचायत की मनमानी है क्योंकि मुख्य सचिव छेगांव में रहता है। और ये लेटरिन क्या कि रोड पे बनना थी, यहाँ यात्रियों को परेशानी आ रही, महिलाओं को आ रही, यहाँ लेटरिन उपलब्ध थी, इसके बाद भी यहाँ बनाया एक मनमानी है। सर मेरा नाम पन्ना लाल सन ऑफ गणपत कोठारे है, मैं ग्राम भोजेड़ा भूतपुर सरपंच हूँ, वर्तमान में मेरी वाइफ भी निर्वृत्त पंच है, लेकिन आज तक सर उसको न कभी मीटिंग में बुलाया है न कभी ये कहते कि भाई मीटिंग है। और यदि दूसरी यदि ये जो होता है अपने कौन सी मीटिंगें लगती ना जो 15 अगस्त और आम सभा जो लगती है, आम सभा में ये बोलते ये काम है वो काम है, और बाकी इनको पूछना भाई वो बताओ कागज क्या कितना काम क्या है आवक जावक, तो बोले इसका नहीं है इसमें, बोले ये तो सिर्फ ये इसका ये काम बोला है सरकार ने ये करो वो करो, और बस उसके बारे में टाल देते हैं। और प्रसाद भी लाते तो कितना लाते, ये लोग आधे घर खाते हैं बाकी बच्चों को ढंग से नहीं बांटते, और जो रखा रहता है रखे रहता है, यहाँ इनकी हर चीज़ में मनमानी है। अभी यहाँ पे जो ये सामने है हेडपम्प लगा है, यहाँ पे सबको पानी देना चाहिए तो पानी ये किसी को देते नहीं, अभी देख लीजिए यहाँ सामने रखा है 3-4 घर हैं, यहाँ पानी देना चाहिए जबकि उसमें मोटर लगा रखी इन्होंने। और उसके बाद गाँव में जो पाइपलाइन है जो करी ही नहीं, आज तक करी नहीं, पाइप वहीं पड़े हैं जहाँ इकट्ठे पड़े हैं और पूरा ये पड़ा है, और उन्होंने अपनी जो सड़क किनारे जो नाली भी है वो भी इन्होंने बनाई है, कितने जो रोड बना रहे हैं, और इनके पाइप वहीं कहीं पड़े सड़ रहे हैं, अभी तक बेचारे पानी के लिए तरस रहे लोग वहाँ पे। वहाँ की औरतें 10 बार जा चुकी है, जनपद जा चुकी, कलेक्टर पास जा चुकी, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं होता, सब समझ में नहीं आता ये क्या होता है।
क्या है बात है, हमारी समझ में तो है कुछ? मेरा नाम हिम्मत संदुके। क्या शिकायत है आपकी? मैं अभी वर्तमान में भी पंच हूँ, 30 साल से मैं पंच रह चुका हूँ और अभी वर्तमान में भी हूँ। लेकिन ऐसा सरपंच और ये सहायक सचिव ये मनमानी करते हैं, किसी की सुनते नहीं है। हमने शिकायत सब दूर कर दी है, कलेक्टर को करी है, सीओ को करी है, जनपद को करी है, 4-4 बार करी है। सबकी रिसोर्ट मेरे पास है अभी फिलहाल में, और जो रोड भी है इनके पैसे सब निकाल लिए हैं, इनके पैसे भी सब खा गए। न तो हमारे गांव की गटरों को साफ करवाते, गंदी वाड़ा रहता है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है और कोई साधन नहीं हमारे गांव में। ये सुनने को तैयार नहीं, इनको बोलना है भाई मीटिंग तो लो कम से कम पंच ने की, तो बोलते हैं अभी लेंगे बाद में। वो पंच की मीटिंग भी 6 साल हो गए, आज तक भी इनने मीटिंग ली नहीं हमारी। जो खेल मैदान है तो वहाँ पर गिट्टी खदान बना दी गई है। जी हाँ, तो आपको ये तो पता होगा कि यहाँ पर पहले खेल मैदान था जो स्वीकृत हुआ था। जो ये रोड का तो काम पूरा हो गया, जो गाँव में जो है तो वहाँ पे बीच में सामने वाले ने रोक दिया था। किसने रोक दिया था काम? वो बलराम सिंह, क्या क्या नाम है उसका, राजू ने। क्यों रोका था काम? क्योंकि मेरे इधर रोड नहीं बनेगा, क्योंकि ये पानी पूरा गांव का मेरे यहाँ आता है। अच्छा, तो उसके लिए राशि पूरी निकाल ली गई थी तो बाकी भी है ना, काम भी तो बाकी है उसका। तो रोड तो बना ही नहीं है ना, लेकिन राशि पूरी निकाल ली गई है, जितना स्वीकृत हुआ था उतनी पूरी। आप इस पार्ट देख लीजिए ना। हाँ, इस पार्ट तो निरीक्षण करेंगे, आप भी चलना वहाँ पर साथ में। हमारे को बताना कहाँ से आपने रोड बनाया है, देख लो। इसके अलावा पंचायत भी आपकी कभी कभार ही खुलती है, आप नजर नहीं आते हो यहाँ पर, आप बरसों नहीं दिखते हो। आता हूँ मैं तो। आपने आखिरी आम सभा कब करी है यहाँ पर? इतना मेरे को ध्यान नहीं है। गांव में जो पोखर का निर्माण हुआ है वो बता रहे हैं गांव वाले कि एक दिन जेसीबी से काम करवाए कि नहीं, मजदूरों से काम हुआ है। नहीं तो गांव वालों ने तो उसकी वीडियो भी ठीक है ना, मजदूर हमने मजदूर लगाए, मजदूर से करवाया है। तो मजदूरों का मास्टरों पर मना होगा ना? हाँ, मिल जाएगा मास्टर, मिल जाएगा। तो कब मिलेगा वो बता देंगे ना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।